कि आज उनके साथ समाज खड़ा है, राजनीति नहीं खड़ी। इंद्रपाल गौतम का सवाल नहीं है, यहाँ सवाल है 22 प्रतिज्ञाओं का। उसी प्रकार केजरीवाल साहब बाबा साहब का नाम लेके सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो शेड्यूल कास्ट का करते हैं। लगातार राजेंद्र पाल गौतम जी जो अंदर जो कार्रवाई हो रही थी, जिस बयान को लेकर लगातार वीडियो वायरल हो रही है, अब मंत्री जी यहां से जा रहे हैं, क्योंकि जो दोपहर से उन्हें 2 बजे से बिठाकर रखा गया था और अब जो है 6 बजे यहां पर कार्रवाई पूरी होती हुई नजर आते हुए उनको छोड़ा गया है। और लगातार अब देखिए कितनी भीड़ मौजूद है। मंत्री जी से बात करने की हमने कोशिश की, लेकिन जो है जितना आप बात कर पाए उतनी ही बात हो पाई है। लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ पर भीड़ बहुत मौजूद है, तो इनसे बाइट ले नहीं पाए हैं। अभी मंत्री जी से बात होते होते रह गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। मगर ये देखिए कि जिस तरीके से बयान दिया गया था, लेकिन अभी जो है राजेंद्र पाल गौतम जी ने बोला कि उनके साथ कोई पार्टी खड़ी होना हो, लेकिन उनका समाज जो है वो उनके साथ खड़ा हुआ है, एकजुट है, वो ही उनकी शक्ति है। क्योंकि हमेशा से राजेंद्र पाल गौतम जी समाज ऐसे शोषित पीड़ित समाज के लिए लड़ते रहे हैं, हमेशा से वंचित लोगों की आवाज़ उठाते रहे हैं। इसलिए आज यहाँ पर भी बेहिचक होकर कार्रवाई के लिए पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर बैठे रहे और यहाँ पर उनके साथ जो भी पूछताछ की गई, क्योंकि जो 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब की थी उसी को चलते बयान जो है भरता गया और तूल दी जा रही है। क्यों तूल दी जा रही है ये देखिए कोर्ट भी किया गया है, लेकिन बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं खुद में लिखी हुई हैं कि वो देवी देवताओं को नहीं मानते, देवी देवताओं का अपमान बताया जा रहा है लगातार जो भाजपा पार्टी के द्वारा। लेकिन ये देखिए भाजपा पार्टी जो देवी देवताओं के अपमान और उनकी भावनाएं जो आहत होती हैं, वही प्रवेश वर्मा जो एक समुदाय के लिए लगातार वहां पर भाषण देते हैं, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है आप ये देखिए। बीजेपी की तरफ की दोगली नीति देखिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि केजरीवाल जी के मंत्री हैं और आप पार्टी की यहाँ पर आप मौजूदगी देख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप पार्टी के यहाँ पर कोई भी कार्यकर्ता नहीं आए हैं, कोई भी नेता नहीं आए हैं, सिवाय उनके संगठन के लोगों के। तो ये सारी जो बातचीत हुई हो पाई है, जो भी विजुअल था वो बहुत भीड़ भड़ाका था। और यहाँ से अभी मंत्री जी निकल चुके हैं, अभी अब थाने में 7 बजे यहाँ पे सुबह से जो है उनको बिठा कर रखा गया था 2:30 बजे से, और अब जो है शाम के सात बज गए हैं, तो अब छूटे हैं मंत्री जी और अब जा चुके हैं। और यही सबके साथ जो है अभी उन्होंने कहा हम एकत्रित हैं, एक साथ हैं, संगठित हैं और रहेंगे। नेगोशिएशन नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, इसलिए हूँ कि समाज का कोई भी व्यक्ति जब धम्म का काम करेगा, बाबा साहब का काम करेगा और संविधान का काम करेगा, तो हम उसके साथ खड़े रहेंगे उसे बचाने के लिए। मंत्री साहब ने सारे इशारों में कहा कि समाज अगर चाहेगा तो इस्तीफा। देखिए मंत्री साहब का जो दर्द है वो राजनीतिक बोल सकते हैं, लेकिन सामाजिक ये है कि आज उनके साथ समाज खड़ा है, राजनीति नहीं खड़ी। और इसी वजह से जब सवाल ये पूछे जाते हैं कि आपके कितने लोग हैं, तो राजनीतिक कोई भी व्यक्ति आज यहाँ पर नहीं है, सामाजिक जो लोग हैं वो सामाजिक लोग यहाँ खड़े हैं, नहीं है बिल्कुल भी ना तो उनका कोई। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, 13-14 इनके विधायक हैं, जिनमें से शायद एक या दो ने कोई ट्वीट कर दिया होगा, अदरवाइज सब उनके विरोध में हैं। परंतु हम अपने व्यक्तिगत लेवल पर आपको ये बताना चाह रहे हैं कि समाज को जब जरूरत है तो हम राजनीति को साइड में रख के आज यहाँ पर आए हैं, क्योंकि हमें अंदेशा था कि पुलिस कुछ भी इलीगल कर सकती है। और जब आज पुलिस ने जो 3 सवाल किए और पूछताछ की, उसका हमने डिटेल में जो जवाब है वो आपको बता दिया गया है। नहीं देखिए एक बात यह है कि अगर गिरफ्तारी होगी तो राजेंद्र पाल गौतम के साथ समाज के कुछ लोग भी गिरफ्तारी देंगे, जिसमें से हम भी एक हैं, क्योंकि यहाँ पर राजेंद्र पाल गौतम का सवाल नहीं है, यहाँ सवाल है 22 प्रतिज्ञाओं का और बाबा साहब का। देखिए धाराएं और वायलेशन कोई नहीं है, जो जब ये धाराओं की बात करते हैं 153A की, 153B की, 509 की, 505 की जब ये बात करते हैं, तो वो धाराएं नहीं लग सकती, क्योंकि भारत सरकार खुद ही मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस अपने जो राइटिंग एंड स्पीचेस जब छपवाती है तो उसमें बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं लगवाती है। उसके अलावा महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है चैत्य भूमि पर और दीक्षा भूमि पर 22 प्रतिज्ञाएं छपवाती है, और अगर FIR दर्ज होती है तो वो उसके अंदर गिरफ्तारी अगर होती है तो समाज का एक बहुत बड़ा तबका इसमें जो शिकायत करता है वो आदेश गुप्ता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है, और जो शिकायत 2 पेज की दी गई है उनका कोई भी लोकस नहीं बनता है देने का। सिर्फ ये एक टेरिफाइंग एक माहौल क्रिएट करा जा रहा है कि भारत के अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वो अपना मुंह बंद कर लें, जो कि नहीं होगा।
क्या शिकायतकर्ता को भी बुलाया गया था यहाँ पर? नहीं, शिकायतकर्ता को नहीं बुलाया गया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो राजेंद्र पाल गौतम को जो नोटिस दिया गया था वो 12 बजे नोटिस दिया गया था, जबकि मीडिया में एक कल से ही सर्कुलेट हो गया था, और आज 12 बजे देने के बाद में 2 बजे की टाइमिंग दी गई, फिर 2 बजे से सीनियर ऑफिसर से इन्होंने डिस्कशन करके बयान नोट किए गए। और हमारा ये ऑब्जेक्शन था कि बिना FIR किए हुए आप उनको नहीं बुला सकते, तो अगर पुलिस करेगी तो कल FIR दर्ज करेगी। बिल्कुल, देखिए आदेश गुप्ता ने शिकायत की है, और जो आपकी बात है ये एक बार नहीं, उनको 50 बार बुलाएंगे, क्योंकि ये चाहते हैं कि राजेंद्र पाल गौतम के साथ साथ इस समाज का हौसला भी बुलाने से या जेल में डालने से धमकाने से टूट जाए, तो वो हम होने नहीं। इस्तीफा लिया गया है, दबाव था फिर? देखिए राजनीतिक सवाल के लिए राजेंद्र पाल गौतम जो है वो बता पाएंगे, हम उनके एडवोकेट हैं, आप हमसे लीगल सवाल और समाज का सवाल करेंगे तो मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़े भक्त हैं, तभी तो उन्होंने जो मंत्री जी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया, जबकि उनके खुद के मंत्री के खिलाफ आरोप है और वो जेल में है, उनका आज तक इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ। और दूसरी बात ये कि वो जो है मिस फायर कर रहे हैं समाज के साथ। मैं आपको एक बता देना चाहता हूं कि जहां स्कॉलरशिप शेड्यूल कास्ट की 2 लाख रुपए की लिमिट है, वहीं ST और OBC की 5 लाख की लिमिट है, और शेड्यूल कास्ट जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान है वो दिल्ली में आज तक फुलफिल नहीं हुआ है। और रही बात अरविंद केजरीवाल की, तो मैं उस पार्टी का ना तो प्रवक्ता हूँ, ना ही समर्थक हूँ, और ना ही मैं उनकी राजनीति में विश्वास रखता हूँ। अगर यहाँ पर सवाल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था तो सभी हमारे जो समाज के लोग हैं, डर क्यों रहे हैं लोग? देखिए छोटा रिचार्ज जो है उसे पता है कि 22 प्रतिज्ञाएं नहीं क्रांति है, और यह बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं नहीं है जिन्हें आप पूछते हो, यह बुद्ध की 22 प्रतिज्ञाएं हैं। बाबा साहब की इस वजह से नहीं है और बुद्ध की इस वजह से है, क्योंकि बुद्ध के 41 देश हैं जो हमारे साथ होंगे। तो गौतम जी क्या अपने अभियान चलाएंगे भविष्य में बाबा साहब को लेकर? देखिए गौतम जी का तो नहीं पता, परंतु समाज में जो भी अभियान चलाएगा उसके साथ समाज तन मन धन से खड़ा रहेगा। अगर FIR होती है तो आप इसको परस्यू करेंगे लीगल? देखिए अगर FIR होती है तो हम तो चाहते हैं कि इस मामले में FIR दर्ज हो, हम तो चाहते हैं, ताकि सुप्रीम कोर्ट तक ये डिसाइड कर दे कि इसमें भारत सरकार दोषी है या अरविंद केजरीवाल दोषी है या राजेंद्र पाल गौतम दोषी है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ये FIR करते हैं तो इनके खुद के जो मंत्री हैं, खुद के जो लोग हैं, सबसे पहले उनके खिलाफ FIR होके उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए यहाँ पर समाज के लोग तो नजर आ सकते हैं, राजनीति के नहीं आएंगे। और ये बात देखिए इससे बड़ी समाज के भी नजर नहीं आ रहे, BSP वाले नजर आ रहे हैं। हाँ नहीं, BSP वाले हैं, हम सभी BSP के हैं, लेकिन BSP वाले तो हर समाज के मुद्दे को उठाने का काम करते हैं और उठाएंगे। पार्टी में जो SC ST विंग है, SC ST वाले वो नजर नहीं आ रहे। देखिए ना तो यहाँ SC ST विंग है, ना ही लीगल सेल है, परंतु BSP के जो छोटे छोटे कार्यकर्ता है वो यहाँ पर है, और वो इसलिए कि हम राजनीति को साइड में रखकर अपने समाज की, बाबा साहब की, संविधान की और बुद्ध की बात करते हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पर हैं। डॉक्टर साहब जब जय भीम के नारे लगते हैं और अपर कास्ट के जय भीम के नारे लगते हैं तो समाज उन्हीं के साथ तोड़ने लगता है, जैसे केजरीवाल ने किया। देखिए ऐसा है, मोदी जी पंचतीर्थ बना के सबसे ज्यादा रिजर्वेशन, सबसे ज्यादा नुकसान जो है शेड्यूल कास्ट का करते हैं, उसी प्रकार केजरीवाल साहब बाबा साहब का नाम लेके सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो शेड्यूल कास्ट का करते हैं। उनका स्पेशल कंपोनेंट प्लान को वो फ्री बिजली फ्री पानी में दे देते हैं, उनके लिए जो भी चीज़ें होती हैं जो शेड्यूल कास्ट के फेवर के लिए। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अभी तक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के अंदर में मिलने वाली जो कंपनसेशन अमाउंट है उसको सरकार ने रिलीज तक नहीं किया है। तो ये जो घटना सर हुई है गौतम साहब के साथ में, इससे आने वाले चुनाव में क्या असर पड़ेगा, किधर जाएगा? देखिए ये राजेंद्र पाल गौतम अकेले ऐसे नहीं है जिनके साथ ये हुआ है, उनकी पार्टियों में रहकर जो भी बोलेगा और बाबा साहब की बात करेगा, भगवान बुद्ध के साहब की बात करेगा, उन सभी के साथ ऐसे ही होता है। जनित आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, पहाड़गंज थाना, दिल्ली।